અજમેરમાં પણ મહાદેવ બેઠા છે ને સોમનાથમાં પણ અલ્લાહ બેઠા છે. બોલો અલ્લાહુ અકબર. गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही, राज्य का सियासी पारा भी बढ़ रहा है. सियासी बयानबाजी के अलावा अलग अलग पार्टी नेताओं की तरफ से विवादित बयान भी सामने आ रहे हैं. इस बीच कांग्रेस नेता इंद्रनील राजगुरु के एक बयान पर बवाल मचा हुआ है. इंद्रनील ने एक चुनावी सभा में ऐसा बयान दे डाला जो गुजरात में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकता है. इंद्रनील राजगुरु ने भरी सभा में कह डाला कि अजमेर में महादेव है तो सोमनाथ में अल्लाह. सुनिए राजगुरु का वो विवादित बयान जिस पे बवाल मचा. अजमेर में पर महादेव बैठा है ने सोमनाथ में पर अल्लाह बैठा. इंद्रनील यही नहीं रुके, उन्होंने बाकायदा भरी सभा के बीच अल्लाह अकबर के नारे लगाए और लोगों से भी नारे लगाने को कहा. कांग्रेस नेता इंद्रनील राजगुरु के विवादित बयान का विरोध हो रहा है. विपक्षी पार्टियों के अलावा संत समाज भी इसकी कड़ी आलोचना कर रहा है. संत समिति के स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा है कि कांग्रेस नेता इंद्रनील गद्दार, वो सोमनाथ में फिर मस्जिद बनवाना चाहता है और गजनवी की मानसिकता नहीं चलेगी. बता दें कि इंद्रनील राजगुरु ने हाल ही में आपसे कांग्रेस में वापसी की थी. बताया जा रहा है कि वो आपका सीएम फेस ना बनाए जाने से नाराज थे. फिलहाल इंद्रनील के इस विवादित बयान ने बीच चुनाव कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी. टाइम्स ऑन भारत डिजिटल की रिपोर्ट.